नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकॉम और बीएससी ऑनर्स की 68 कॉपियां गायब हो गई हैं। यह सभी कॉपी शासकीय डाक से मूल्यांकन के लिए भिंड के कॉलेज के लिए भेजी गई थीं, जहां बीच में ही ये अचानक गायब हो गईं। अब छात्रों के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्र छात्राओं को औसत अंक देने पर विचार कर रहा है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी महीने में आयोजित की थी। इसके बाद कॉपी का मूल्यांकन कराया जाना था। अलग अलग विषय की कॉपियां अलग अलग मूल्यांकनकर्ताओं के पास भेजी जानी थी। इसी क्रम में बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की 50 और बीएससी ऑनर्स की 18 कॉपियों का बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजा गया, लेकिन यह कॉपियां भिंड नहीं पहुंची। ऐसे में जब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भिंड शासकीय कॉलेज में कॉपियों के संबंध में जानकारी पूछी, तो वहां बताया गया कि स्पीड पोस्ट का कोई भी डाक कॉलेज में प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रबंधन पोस्ट ऑफिस प्रबंधन से बातचीत कर कॉपियों की तलाश में जुट गया है। ये बीकॉम ऑनर्स की 68 कॉपियां थी जो कि हम उन्हें स्पीड पोस्ट डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी थी भिंड कॉलेज में मूल्यांकन के लिए। क्योंकि भिंड कॉलेज में जब उन्होंने संपर्क हमसे किया, उन्होंने बताया कि जो आपके द्वारा भेजी गई कॉपियां अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई हैं, तो फिर हमने डाक विभाग से संपर्क किया तो डाक विभाग ने उस कॉपियों को मिसप्लेस होने की बात कही है। उन्होंने कहा इन कॉपियों को खोज रहे हैं, अगर मिल जाती हैं तो हम आपको सूचना देंगे। वैसे तो अभी उनको कॉपियों को खोज रहे हैं, संभवतः डाक विभाग एक केंद्र सरकार का विभाग है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिल जाती है तो ठीक है, और बाई दे नहीं मिलती हैं तो हम औसत अंक प्रदान करके बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इस तरह का कोई कर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कुछ मानवीय भूल या चूक हुई है, इसके कारण ये कॉपियां कहीं मिसप्लेस हुई हैं। चूँकि 68 कॉपियों का बंडल छोटा होता है, इसलिए कहीं वो कहीं हमें लगता है कहीं ना कहीं डाक के द्वारा कहीं दब गया होगा। जब भी वो मिलेगा तो हम आपको उस तरह की सूचनाएं दे देंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।